हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हूँ आप अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं आपके दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर से एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो देखिए, मैंने अपने पीस कट कर लिए हैं, तो मैं आपको इनका नाप बता देती हूँ। ये मेरे 6 पीस हैं जो 3-3 इंच के हैं, ये मेरे 4 पीस हैं जो 3-3 इंच के हैं, और ये भी मेरे 4 पीस हैं जो 3-3 इंच के हैं, और ये मेरे 2 पीस हैं जो 3-3 इंच के हैं। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले इन पीसों को सेट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने पीस सेट कर लिए हैं, तो हमें इस तरीके से पीस रखने हैं फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको बीच में से सिलेंगे, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ। तो देखिए, ये मैंने पीस आपस में रख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम लाइन लगाएंगे सबसे पहले कोने से कोने तक, और फिर उसके बाद मार्जिन के लिए लाइन लगाएंगे फ्रेंड्स, जहाँ हमें सिलना होता है, और फिर ऐसे ही साइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से। तो अब हमें साइड साइड में सिलना है, बीच की लाइन को छोड़ना है, क्योंकि बीच की लाइन से हम बाद में कट करेंगे। तो ऐसे ही मैं इन सारे पीसों पर लाइन लगा लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे पीसों पर लाइन लगा ली है। अब मैं इनको बारी बारी सिल लेती हूँ, फिर आपको मैं सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे पीस सिल गए हैं। अब हम इनको बीच में से कट करेंगे। तो देखिए, मैंने अपना एक पीस ले लिया है, जिसे मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरीके से डबल शेड का हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये हमने जो दूसरा लिया है, ये सब हमारे डबल शेड के पीस हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम सबको कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद फ्रेंड्स, हम इसको 2.5-2.5 इंच नापेंगे, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर देंगे। तो मैं ये पीस सारे कट करके आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे पीस कट कर लिए हैं, और बिल्कुल सफाई से मैंने इनको खोल लिया है। आप चाहे तो इस पर प्रेस कर सकते हैं। और अब मैं इनका डिजाइन सेट करके दिखाऊंगी। तो मैं पहले डिजाइन सेट कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा डिजाइन सेट हो गया है, तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, अगर आपको 4-4 पीस करके सिलना है तो आप 4-4 पीस करके सिल लीजिए, और ना अगर आपको लाइन बाइज लाइन सिलना है तो आप एक एक लाइन करके सिल लीजिए। तो मैं आपको एक लाइन करके बता रही हूँ फ्रेंड्स। तो हम सबसे पहले यहाँ सिलाई लगाएंगे, और इसको पलटेंगे, फिर इसी पीस पे इसको सिलाई लगाएंगे यहाँ से, फिर जब ये हो जाएगा फ्रेंड्स कंप्लीट, तो हम इसको सिलाई लगाएंगे। तो मैं ये लाइन आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स, फिर हम बाकी के सिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी एक लाइन सिल गई है। हम इनको भी बारी बारी ऐसे ही सिल लेंगे। तो मैं इन सबको सिल लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको आगे दिखाऊंगी फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी चारों लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पीस को इस पर रखेंगे, और सारे जितने भी हमारे जोड़ हैं, 1, 2, 3 हमारे 3 जोड़ हैं, तो हम इन पर पिनअप करेंगे, और पिनअप करने के बाद हम इसको सिलेंगे। और हाँ, जैसे ये हमारा एक डायरेक्शन में हमने ये एक डायरेक्शन हमने इसको इधर कर लिए हैं इस पीस को ऐसे, तो दूसरी डायरेक्शन में इधर कर लिया, ताकि ये मोटा सा ना लग रहे। तो ये देखिए इस तरीके से। तो हम पिनअप कर लेते हैं और फिर इसको सिल लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से पिनअप करना है बिल्कुल सिलाई पे, और देखिए पीछे की तरफ देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से। तो हम सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है, और सारे जोड़ पे जोड़ आए हुए हैं फ्रेंड्स, ये देखिए। तो ऐसे ही हमें ये सिलने हैं फ्रेंड्स। हम इसको पहले इसको रखेंगे ऐसे, पिनअप कर लेंगे, और इसको सिल देंगे। इस ये सिल जाएगा फ्रेंड्स, फिर हम इसको भी ऐसे ही रखेंगे फ्रेंड्स, कि सारी पिनअप कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको सिल देंगे। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा प्यारा सा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। तो आप भी ऐसे डिज़ाइन बना के कुछ ना कुछ यूज कीजिए। आप पिलो कवर बनाइए, बेडशीट बनाइए, पर्दे बनाइए, बच्चों की बिछौनी बनाइए, या चादर बनाइए, टीवी कवर, मेज कवर, सोफ़ा कवर, कुछ भी बनाइए फ्रेंड्स, जो आपका मन करे। तो ऐसे ऐसे डिज़ाइन को आप उन चीज़ों में यूज कीजिए, ये बहुत ही सुंदर लगेंगे फ्रेंड। तो आप भी ऐसे खूबसूरत डिज़ाइन बनाइए, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।